गाइज वेलकम बैक। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज बिना मेकअप के वीडियो कैसे बना रही हूँ। सो गाइज आज हम करने वाले हैं स्किन केयर का वीडियो, तो मैंने सोचा कि बिना मेकअप के स्किन केयर का वीडियो करना इज मच बेटर देन डूइंग इट विद अ फुल फेस ऑफ मेकअप। तो आज जिस स्किन केयर ब्रांड की मैं बात कर रही हूँ वो है अर्ली हर्ब्स। पहले हम इस ब्रांड के बारे में जान लेते हैं और फिर देखते हैं कि मेरे पास इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो ब्रांड है पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, फ्रेग्रेंस कुछ भी एडेड नहीं है, सिंथेटिक कलर इन्होंने कुछ ऐड नहीं किया हुआ है और गाइज ये जो है अल्कोहल फ्री भी है। तो मेरे पास है यहाँ पर उनके चार प्रोडक्ट्स जो मुझे रिसीव हुए थे। तो पहला प्रोडक्ट जो मेरे पास यहाँ पे है वो है ये अर्ली हर्ब्स का एक्ने फेस वॉश। तो गाइज आउटर पैकेजिंग तो कार्डबोर्ड वाली नॉर्मल आती है उसी तरीके से है और इनर पैकेजिंग इज समथिंग लाइक दिस। प्लास्टिक बॉटल है और इस तरीके से ये जो है प्रोडक्ट ओपन होती है। इसमें जो इन्होंने यूज किया है एप्पल साइडर विनेगर, टी ट्री यूज किया है, ग्रीन टी यूज किया है, ऑल्सो नीम एंड एलोवेरा भी यूज किया है। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने इस फेस वॉश में यूज किए हैं दैट इज रियली गुड टू फाइट एक्ने। और अगर आपको एक्ने के ब्रेकआउट्स काफी ज्यादा होते हैं एंड आपकी स्किन ड्राई है तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस प्रोडक्ट आउट, क्योंकि ये जो है आपके एक्ने को कम करने में हेल्प करेगा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि इनके प्रोडक्ट्स में अल्कोहल नहीं होते हैं तो ये जो आपके फेस को ड्राई आउट बिल्कुल भी नहीं करेगा। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो यू मस्ट डेफिनेटली चेक दिस प्रोडक्ट आउट। आई हैव ड्राई स्किन एंड एब्सोल्युटली लव कि ये फेस वॉश मेरे फेस पे किस तरीके से काम करता है। सो दिस वाज अबाउट द फेस वॉश, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एड कर दूंगी। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव इज दिस अर्ली हर्ब्स का वॉलनट फेस स्क्रब। तो गाइज ये आता है कुछ इस तरीके की टब काइंड ऑफ पैकेजिंग में, काफी अच्छी पैकेजिंग है, ट्रैवल फ्रेंडली है एंड जब आप इसका लिड ओपन करोगे तो ये अंदर से जो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का है। ये प्रोडक्ट जो है काफी ज्यादा लिक्विडी है तो मैं आपको इसे ऐसे करके दिखा नहीं पाऊंगी वरना ये प्रोडक्ट जो है वो गिर जाएगा। बट दिस हैज वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ वॉलनट, तो ये आपके स्किन पे ज्यादा जो है हार्म नहीं करेगा क्योंकि पार्टिकल्स माइन्यूट है तो स्किन डैमेज जो है वो नहीं होगी। ये जो स्क्रब है ना गाइस ये आपके फेस पे अगर टैनिंग वगैरह है उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। ब्लैक हेड्स हो गए हो, व्हाइट हेड्स हो गए हो, उसे रिमूव करने में भी काफी ज्यादा ये आपको हेल्प करेगा। आपके फेस पे अगर डलनेस है तो उसे कम करने में हेल्प करेगा। ऑल्सो अगर आपकी ड्राई फ्लेकी स्किन है तो उसे रिमूव करने में भी ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो ये था सेकेंड प्रोडक्ट जो मुझे रिसीव हुआ था। मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोडक्ट, मेरे पास है यहाँ पर उनका अर्ली हर्ब्स का एक्टिवेटेड चारकोल फेस पैक। इसमें है फ्लैक्सीड एंड टी ट्री ऑयल। इसमें जो है ना टी ट्री की बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस है एंड दिस इज हाउ द मास्क लुक्स लाइक। काफी लिक्विडी फॉर्म है इस मास्क का। और तो गाइस आपको इसे यूज कैसे करना है, तो आपको जो है इसे जस्ट अपने फेस पे लगा लेना है, क्लीन फेस पे इसे लगाना है एंड लीव इट ऑन फॉर 20 मिनट्स। उसके बाद जो है आप इसे रिंस ऑफ कर सकते हो। दिस हेल्प्स इन फाइटिंग ऑफ एक्ने कॉजिंग जर्म। अगर आपको सन स्पॉट्स वगैरह हो गए हैं फेस पे उसे रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। आपके फेस पे से कोई भी डर्ट इम्प्योरिटीज है उसे रिमूव कर देता है। एंड गाइज ये जो प्रोडक्ट है ना आपके इवन स्किन को जो है वो काफी रेडियंट करने में भी हेल्प करता है। सो दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट। कमिंग ऑन टू द फोर्थ प्रोडक्ट, ये है अर्ली हर्ब्स का एसेंशियल ऑयल। इसमें है टी ट्री, ग्रीन टी एंड लैवेंडर। ये जो है ना आप अपने दूसरे कोई भी प्रोडक्ट में जैसे कि मॉइस्चराइजर में ऐड करके यूज कर सकते हो या फेस मास्क अगर आप बना रहे हो तो उसमें भी आप जो है इसे यूज कर सकते हो। सो ये जो है आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, आपके स्कार्स को लाइटन करने में हेल्प करता है। अगर आप इसे अपने हेड के प्रोडक्ट में यूज कर रहे हो या हेयर मास्क में यूज कर रहे हो तो ये आपके डैंड्रफ को रिमूव करने में भी हेल्प करेगा। ट्रीट नेल फंगस, तो अगर आपको नेल फंगस वगैरह है तो उस पर भी आप इसे लगा सकते हो, दिस विल ट्रीट दैट। अगर आपको कहीं भी इचिंग वगैरह है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ये इचिंग को जो है वो काम डाउन करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो दिस वॉज द फोर्थ प्रोडक्ट। तो गाइस इनके सारे प्रोडक्ट्स में से मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो है इनका फेस स्क्रब, बिकॉज उसमें जो पार्टिकल्स है वो काफी माइन्यूट है तो वो मेरे स्किन को जरा भी डैमेज नहीं करता है एंड मेरे स्किन पे काफी अच्छे से वर्क भी करता है। सो दैट इज वन प्रोडक्ट दैट आई एब्सोल्युटली लव एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू चेक आउट उनका ये स्क्रब। दैट्स इट आज के वीडियो के लिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आपने करना है इस वीडियो को लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी आपने हिट कर देना है
सो दैट मैं कभी भी वीडियो पोस्ट करूँ तो आप जो है वो वीडियोस मिस ना करो एंड फटाफट से मेरे वीडियोस देख लो. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि मैं वहाँ पे भी काफी चीजें पोस्ट करती रहती हूँ. सो फॉलो मी देयर एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. बाय.